ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर जिले में आरटीओ अधिकारी मनमानी दिखाते हुए गुंडई पर उतर आए हैं। ये जबरन ट्रक ड्राइवर्स की गाड़ी में बैठकर उन पर ही रोब जमाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बोल रहा हूँ आपको गाड़ी में बैठने का अधिकार है क्या, ये बताओ मेरे को। अब गाड़ी में बैठते किसी ने बोला मैं ये रुकूंगा, खड़ा हो जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, आप गाड़ी का आगे चेक कर लो, परमिट चेक कर लो, गाड़ी में बैठ कहाँ जाऊंगा आप। ये जयपुर आरटीओ भाई साहब रस्ते के अंदर यहाँ गाड़ी रुकवा के गाड़ी में बैठ के गाड़ी को आगे भेज दिया, कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी को आप। गाड़ी गाड़ी आगे क्यों गई, यहाँ चेक नहीं कर सकते आप। ये मेरे साथ में कहाँ जा रहे थे बैठ गए। बिल्कुल आ रहा हूँ, चलो एवं रुको, एवं छोड़ो उसको, पुलिस आ रहा हूँ। नहीं ये साहब मेरे भाई साहब कहाँ जा रहे थे, गाड़ी में बैठ गए, तो सुरेश गोस्वामी नाम का ये ड्राइवर जो वीडियो बना रहा है वो इस गाड़ी नंबर GJ12BV8618 का ड्राइवर है। 8 अप्रैल को सुरेश गोस्वामी कांडला पोर्ट से सितारगंज के लिए निकला। इसकी गाड़ी में कोयला लोड था, लेकिन जैसे ही ये 9 अप्रैल को जयपुर पहुंचा तो जयपुर के बगरू जिला में कुछ आरटीओ के अधिकारियों ने इसे रोक लिया और इससे 200 से 300 रुपए की मांग करने लगे। ड्राइवर ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो इनमें से एक आरटीओ अधिकारी जबरन आकर ट्रक में बैठ गया और बाकी आरटीओ अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर किसी और गाड़ी के पीछे चले गए। इस आरटीओ अधिकारी ने ड्राइवर से कहा कि चल गाड़ी चला, तो ड्राइवर ने कहा कि आप जबरन उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकते और कहां जाने के लिए कह रहे हैं। इतने में इस ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने इस आरटीओ अधिकारी से कई सवाल पूछे, पर आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर के सवालों पर ये आरटीओ अधिकारी किस तरह अपना मुंह छिपाता दिखाई दे रहा है। जैसे ही आरटीओ अधिकारी को पता चला कि ट्रक ड्राइवर उसकी वीडियो बना रहा है, तो इस आरटीओ अधिकारी ने अपने साथियों को फोन किया और कहने लगा कि ट्रक ड्राइवर इसकी वीडियो बना रहा है, आप जल्दी आ जाइए। आरटीओ अधिकारी के अनुसार वो गाड़ी के कागज चेक करने के लिए गाड़ी में बैठे थे, लेकिन आरटीओ साहब अगर आपको कागज ही चेक करने थे तो गाड़ी को कहीं ले जाने की क्या जरूरत है, गाड़ी के कागज तो आप गाड़ी खड़ी करके भी चेक कर सकते थे। बड़ा सवाल ये है कि गाड़ी रुकवाने के बाद ना तो आपसे कागजात मांगे गए और ना ही कोई चालान हुआ, बस पैसे मांगे गए और फिर ये जनाब गाड़ी में जबरन घुस गए। बिना किसी नियम उल्लंघन के ट्रक ड्राइवर को परेशान किया गया। आखिरकार गाड़ी को ये कहां ले जाना चाहते हैं? जैसे ही ड्राइवर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो घबराए इस आरटीओ ऑफिसर ने बाकी साथियों को फोन करके वापस बुला लिया। 25-30 मिनट के बाद जब आरटीओ अधिकारी के बाकी साथी वापस आए तो वो ट्रक ड्राइवर की वीडियो बनाने लगे। उन्होंने ट्रक का फोटो भी खींचा और कहने लगे कि वीडियो डिलीट कर दे। अब सवाल ये है कि अगर ये अधिकारी साहब सही हैं, तो वीडियो का डर इन्हें क्यों है? ये ड्राइवर से वीडियो डिलीट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो ये तक कहते हैं कि हम तुझसे पैसे भी नहीं लेंगे, बस वीडियो डिलीट कर दे। आपको बता दें कि ये गाड़ी नंबर GJ12BV8618 बाबा उद्धल रोडवेज से निकली थी और STS कंपनी की ये गाड़ी है, जिसके सभी कागजात पूरे थे, माल भी ओवरलोडेड नहीं था, जिसके बावजूद ये सब हुआ। बिना किसी नेम प्लेट के, बिना किसी चालान के होते हुए कोई आपकी गाड़ी में जबरन घुस जाए तो ये सरासर गलत है। आधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। अधिकारियों का काम परेशान करना नहीं, बल्कि नियमों का सही ढंग से लागू करवाना है। फिलहाल आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हेलो व्यूअर्स, मैं इंडस कार की ओनर मंजू यादव। हमने हाल ही में 2 गाड़ियों का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया। ट्रांसपोर्ट मॉल की सर्विसेज बहुत अच्छी है और कंपनी से बहुत सस्ता प्रीमियम है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी
लाभकारी।